शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई की संस्कृत कक्षा 8वीं में आज हम प्रत्यय के तीसरे भाग में शानच, अनियर और तव्यत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। शानच प्रत्यय क्षत्रिय प्रत्यय के समान ही शानच प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में हुआ अथवा रहा, रही, रहे के अर्थ का बोध कराने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में दोनों को कहां प्रयोग करना है? जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, क्षत्रिय प्रत्यय तो प्रश्नपदी धातुओं के साथ ही जुड़ता है, किंतु शान प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के साथ ही जुड़ता है। मतलब शानच प्रत्यय जो है आत्मनेपदी धातुओं के साथ ही जुड़ता है। शानच प्रत्यय में श च का लोप होकर आन शेष रहता है, आन के स्थान पर अधिकतर मान हो जाता है। यहाँ शानच प्रत्यय से बने कुछ क्रियापदों का संग्रह पुल्लिंग में दिया जा रहा है। आत्मनेपदी मूल धातु, धातु का अर्थ, धातु प्रत्यय, शानच प्रत्यय से बना रूप अर्थ, से सेवा करना, सेवन करना, सेव के साथ शानच प्रत्यय हुआ, सेवमान हो, सेवा करते हुए, सह सहन करना, सह और शानच सहमान हो, सहन करते हुए, वृत होना, वर्त शानच वर्तमान हो, होते हुए, वृद्ध बढ़ना, वर्त वृद्ध का क्या हो जाता है, वर्त, और यहाँ पर वृत्त का क्या बन जाए, वर्त बन जाता है। तो वर्त के साथ शानच हुआ तो क्या हो गया, वर्तमान हो, बढ़ते हुए। भाष कहना, भाष शानच लगा, भाष मान हो, कहते हुए। याच मांगना, याच प्लस शानच, याच मान हो, मांगते हुए। रुच अच्छा लगना, रोच प्लस शानच, रोच मान हो, अच्छा लगते हुए। मुद प्रसन्न होना, मोद और शानच, मोद मान हो, प्रसन्न होते हुए। मुद का क्या हो जाता है, मोद हो जाता है, और रुच जो है रोच में बदल जाता है। लब पाना, लब और शानच, लब मान हो, पाते हुए। अगर पुलिंग है तो लब मान हो, स्त्रीलिंग लब माना, न पुसलिंग है तो न मानम। यत कोशिश करना, यत और शानच, यत मान हो। अनियत प्रत्यय, अनियत प्रत्यय चाहिए योग्य अर्थ के में प्रयोग होता है। अनियत प्रत्यय में से र का लोप होने पर अन्य शेष रहता है। अनियत प्रत्यय अंत शब्दों के तीनों लिंगों के रूप में चलता है। यहाँ पुलिंग के ही रूप दिखाए जा रहे हैं, छात्र इन्हें समझे और कंठ अग्रह करें। मूल धातु का अर्थ, धातु प्रत्यय अन्य प्रत्यय का कैसे रूप बनता है, अर्थ, अर्च कमाना, अर्च प्लस अन्य अर्जनीय, कमाना चाहिए। क्री करना, कर, क्री का क्या हो जाएगा, कर, अन्य करनीय, करना चाहिए। क्रोध, क्रोध का क्या हो जाता है, क्रोध, क्रोधनीय, क्रोध करना चाहिए। गम जाना, गम अनियर गमनीय, जाना चाहिए। गन गिनना, गन और अनियर गणनीय, गिनना चाहिए। चोर चुराना, चोर और अनियर चोरनीय, चुराना चाहिए। चल चलना, चल और अनियर चलनीय, चलना चाहिए। चर चलना, चर और अनियर मिलकर क्या बन गया, चरनीय, चलना चाहिए। जी जीतना, जय अन्य, जयनीय, जीतना चाहिए। दा देना, दा और अन्य, दाननीय, देना चाहिए। अब हम करेंगे तव्यत प्रत्यय का अध्ययन। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग भी अन्य प्रत्यय के समान चाहिए और योग्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तव्यत प्रत्यय में से त का लोप होने पर तव्यत शेष रहता है। तव्यत प्रत्यय अंत शब्दों के तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। यहाँ केवल पुल्लिंग के रूप ही दिखाए जा रहे हैं। मूल धातु, धातु का अर्थ, धातु और प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय से क्या बनकर रूप बनता है, और अर्थ, अर्च कमाना, अर्च और तव्यत अर्जितव्य, कमाना चाहिए। क्री करना, कर्तव्यत कर्तव्य, करना चाहिए। क्रोध, क्रोध करना, क्रोध और तव्यत क्रोधितव्य, क्रोध करना चाहिए। गम जाना,
गम प्लस तव्यत गंतव्य जाना चाहिए। गण गिनना गण्य तव्यत गणितव्य गिनना चाहिए। चुर चुराना चोरिय तव्यत प्रत्यय लगा, चोर का क्या बन गया चोरिय, तो उसमें तव्यत प्रत्यय लग गया चोरी तव्य चुराना चाहिए। चल चलना चल और तव्यत हुआ तो चली तव्य चलना चाहिए। चर चलना चर और तव्यत लगा चरी तव्य चलना चाहिए। जी का क्या होगा जीतना, जय प्लस तव्यत जे तव्य जीतना चाहिए। दा देना दा प्लस तव्यत दा तव्य देना चाहिए। इस प्रकार से हमने तव्यत प्रत्यय अन्यर प्रत्यय इनका अध्ययन किया और शायद आपने सारे प्रत्यय जो है कंठस्थ कर। आज की व्याकरण कक्षा में हमने प्रत्यय प्रकरण में शानच प्रत्यय तव्यत प्रत्यय और अन्यर प्रत्यय का अध्ययन किया। सभी प्रत्ययों को आपने कंठस्थ करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है।